सारे होम्स के घोटालों की वजह से उनके ग्राहक तो परेशान हैं ही, साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयज भी कहीं पीछे नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार तिवारी जी। अशोक जी, पहले तो ये बताइए कि आपने कंपनी कब और किस साल में ज्वाइन की थी? सर, मैंने नवंबर 2015 में ज्वाइन किया था गाजियाबाद NH24 के लिए। जी, तो और फिर कंपनी आपने कब छोड़ी? सर, मैंने 1 दिसंबर 2016 को छोड़ा। रीज़न क्या था छोड़ने का आपका? सर, रीज़न कुछ नहीं था। रीज़न एक्चुअली मेरी सेल हो रही थी, 2 महीने में सेल नहीं आई, तो मुझे बोला गया था कि लास्ट में 30 तक अगर सेल नहीं आती है तो मैं निकाल दूंगा। अच्छा, आपको पहले बता दिया गया था? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या रहा कि कैसे कंपनी ने आपको फुल एंड फाइनल टाइम पे किया? सर, मेरे को दिसंबर में छोड़ने के बाद मैंने मेल भी किया, उसके बाद अब तक कोई फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। और मैंने 2 बार फ़ोन भी करता हूँ, विवेक शर्मा है, फ़ोन करता हूँ, वो नहीं उठाते फ़ोन। वो फुल एंड फाइनल वही करेंगे पर वो फ़ोन नहीं उठाते। और मैं 2 महीने में हर बार जा रहा हूँ पर उन्होंने बोल रहे हैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, कैलकुलेशन भेज दूंगा, कोई मेल नहीं आया। मैंने कितने मेल किए पर मेल नहीं आया, तो अभी वो फुल एंड फाइनल का कुछ भी नहीं किया है। तो ये बात बताइए कि किस प्रोजेक्ट में थे आप गाजियाबाद? स्प्रिंग व्यू फ्लोर्स, हाइट्स? स्प्रिंग व्यू हाइट्स, जो हाँ स्प्रिंग व्यू हाइट्स से हम सेल कर रहे थे और वही बन रहा। तो क्या कंपनी ने जब आपको 2 साल की सेल्स पहले, उससे पहले क्या आपका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा था या कैसा था? सर, मेरी 8 साल रियल इस्टेट की ही लाइन में रहा हूँ, 8 साल हो गए एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत अच्छा सेल किया है। जिसमें भी मैं रहा हूँ उसमें परफॉर्म किया हूँ, इसमें भी मेरी सेल अच्छी हुई थी। मैंने CVI, IVI सब के क्लाइंट थे मेरे, और मैंने बहुत अच्छा मेहनत भी किया था, पर किसी बस मेरे क्लाइंट का बुकिंग भी आया था, वो अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। 50,000 रुपया सिक्योरिटी करके उनका लोन नहीं हो पाया, तो उनको बोला गया था रिफंड कर देंगे। पर अच्छा, तो ये केस हमने पहले भी कई और गवाहों से, एम्प्लॉयज से सुना है, कई कस्टमर से भी सुना है कि 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट, जो टोकन मनी लिया जाता है, उसके बाद वो पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा है। तो सर, लगभग आपके अपने कितने कस्टमर्स होंगे जिनके साथ ऐसा हो चुका है? मेरे एक क्लाइंट हैं जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, उन्होंने मेल भी किया है, मेरे को भी मेल किया है, क्लाइंट ऑफिस। कितना टाइम हो गया उस बुकिंग को? उनकी अगस्त की बुकिंग थी और उनको बोला गया था कि लोन नहीं होगा तो 1 महीने में हो जाएगा। इंडिया बुल्स के उन्होंने नॉट एलिजिबल करके दिया, बट उन्होंने अभी तक लोन का पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट नहीं किया है। तो क्या हमें सुनने में भी आया कि कहीं ना कहीं कोई शख्स 25,000 से 30,000 रुपये मांगता था लोन पास कराने के नाम, कोई ऐसी घटना आपके क्लाइंट के साथ हुई हो तो? नहीं, मेरे क्लाइंट के साथ तो नहीं हुई थी, बट ये है कि बहुत सुनने में आ रहा है कि इधर उधर से हुई है कि लोन के लिए होता था, बट मेरे क्लाइंट के लिए तो वही था कि 50,000 वो रिफंड करना था, वो अभी तक नहीं किया। अच्छा, वो पैसा जो टोकन मनी था वो किस अकाउंट में आप लोग डलवाते थे सारे होम्स के? NH24 का सारे सैमैक के साथ जाती थी, सारे सैमैक रियल्टी लिमिटेड के नाम से चेक जाती थी, जो 50,000 का था। उसमें बाद में हमें ये बोला गया था कि सिक्योरिटी अकाउंट खोल दिया गया है, सारे सैमैक सिक्योरिटी अकाउंट, जिसमें कि 50,000 आएगा और अगले महीने अगर लोन नहीं होता है, नॉट एलिजिबल आते हैं, तो वो रिफंड हो जाएगा। और कौन उसमें कौन देख रहा था उस अकाउंट की? वो मनीष चोपड़ा ही उस अकाउंट के बारे में हमें बताया गया था कि ये इस अकाउंट से ही अब आएगा और इसमें जब भी अगर लोन नहीं होता तो वो पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। तो यानी कि उस अकाउंट में जितना भी पैसा मनीष चोपड़ा के अंडर ही जा रहा है सारा, कि मनीष चोपड़ा इसकी अकाउंट खुलवा था, कंपनी में अकाउंट खुला था और उस वो कौन कौन हैंडल कर रहे थे वो नहीं पता, बट वो अकाउंट खुला था और उसके तहत ही 50,000 लाख रुपए अकाउंट में जाते थे। तो एक अलग अकाउंट वो बोला गया था वो पैसे ट्रांसफर जाएंगे, मतलब क्लाइंट का अगर नहीं होते तो वो तुरंत रिफंड हो जाएगा, क्योंकि सारे सैमैक में जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसमें रूल्स हैं पेपर देने में, कैंसिलेशन में, तो इसलिए खोला गया था। तो आपने जब बुकिंग कराई तो उस टाइम पे कस्टमर को कोई ऑफर भी दिया गया था स्प्रिंग व्यू हाइट में, या ब्रोकर को कोई ऑफर दिया गया था बीच में गोल्ड का, गाड़ियों का कुछ? ब्रोकर के तो होते ही थे 5% का जो भी कमीशन है, कमीशन के सिवा ऊपर गोल्ड का था। अच्छा, गोल्ड का क्या? 5 ग्राम गोल्ड और 10 ग्राम गोल्ड। कैसे कैसे था ये ऑफर आपके बारे खुल के बताइए थोड़ा? एक्चुअली 5 बुकिंग पे जितने भी होते थे उसमें 5 ग्राम का गोल्ड दिया जाता था, हर बुकिंग पे 5 ग्राम का गोल्ड है, 5 बुकिंग से ऊपर कर दिया तो 10 ग्राम का गोल्ड थे, 3 BHK पे 10 है और 2 BHK पे 5 ग्राम का गोल्ड। तो क्या आपको कोई ऐसा ब्रोकर आपकी जान पहचान में जिसको वो गोल्ड मिला हो? नहीं, वो मेरे किसी को तो वो गोल्ड मिला ही नहीं, वो गोल्ड का सिर्फ ऑफर था। और ग्राहकों को कोई गाड़ी देने का ऑफर किया गया था कि बुकिंग पर आपको गाड़ी दी जाएगी स्प्रिंग व्यू हाइट्स में? जी जी, क्या ऑफर था वो? मैं जब था तो एक किसी ब्रोकर को गाड़ी मिलनी थी, गाड़ी का ड्रॉ करते थे वो, लॉटरी ड्रॉ करके मिलते थे, पर वो गाड़ी अब तक नहीं मिली। गाड़ी अब तक नहीं, तो क्या ये बात हो गई ब्रोकरों की, पर ब्रोकर्स की, पर क्या ग्राहकों को भी कोई ऐसा ऑफर दिया गया था? नहीं, ग्राहकों को बुकिंग के ऊपर नहीं था।
मुझे बताइए कि आपके अपने पर्सनल कितने पैसे होंगे, लगभग कितना पैसा फंसा हुआ होगा अभी सारे होम्स के अंदर? सर मेरा जो क्लाइंट का 50,000 रुपया हो वो रिफंड होना है, 50,000 वो अभी तक नहीं हुआ है, उसमें मेल भी गया है पर कोई रिप्लाई नहीं हुआ है, और मेरा एफ एंड अप का है 45 to 50,000 का, अभी मेरा एफ एंड अप का है। तो आप जब बात करने जाते हैं तो कब से बात कर रहे हैं? तकरीबन 6 महीने हो गए मैं हैं। 2 महीने का समय होता है कि एफ एंड अप 2 महीने के बाद हो जाता है, तो मैं फरवरी में गया था, फरवरी में मुझे ये बोला गया था कि अप्रैल तक जून तक में हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से अप्रैल में गया और अप्रैल में भी उन्होंने बोला कि अभी मैं कैलकुलेशन भेज दूंगा, मेल कर दूंगा, विवेक शर्मा उन्होंने मेल करने के लिए बोला और अब तक कोई मेल नहीं किया, फोन भी नहीं उठाते, उसके बाद मैं फिर से जाना चाहता हूँ, जून में बोला था, फिर अभी मैं देखता हूँ क्या तो होता अशोक जी एक बात बताइए, जब है। सारे होम्स का ये रवैया अपने एम्प्लॉयज के लिए ही ऐसा है तो ग्राहकों के लिए कैसा रवैया होगा? ग्राहकों के लिए जितने भी बुकिंग हुई है उनको तो अभी मिलना भी मुश्किल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है अगस्त से, और जितने भी जिनके रिफंड होना है 50,000 लाख रुपए वाले वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, और उस पर कोई बात नहीं सुन रहे, ना मेल का रिप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं सुन रहे।